अच्छा, तो देखिए 52 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मैंने मेथड बताया था कि इसको पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 52 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 26 बार में कंप्लीट डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। रिमाइंडर यानी शेषफल की मैं बात कर रहा हूं, शेषफल क्या आएगा? जीरो। इसके बाद ये फिर 2 से डिवाइड होगा और ये 13 बार में डिवाइड होगा और इसके बाद यहां भी रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि 26 आपका 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन आपका 13 2 से डिवाइड होगा तो 6 बार में जाएगा, लेकिन इस बार रिमाइंडर क्या बचेगा? वन। और इसके बाद फिर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार में जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? जीरो। 2 3 6 होता है। ऐसे ही आपको डिवाइड करना है, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2 और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? एक। तो मैंने बताया था कि यहां से शुरुआत करो और एरो को ऐसे ले जाओ, ठीक है? तो आप देखो कि यहां पे आपको नंबर क्या क्या मिला बाइनरी में, 110100। तो आपको बाइनरी में इसका आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा वन, फिर लिखना है वन और देन जीरो, फिर वन लिखना है और उसके बाद 2 बार 0 और उसके बाद आपको पॉइंट लगा देना। अब इसके बाद पॉइंट वाले नंबर का मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है इसको चेक करना है। तो आप देखो 1 2 4, ये 4 नंबर पे आता है तो 4 ले लो, 8 0 है, 16 32, तो 32 और 16 48 और 4 52। तो इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हो कि 52 का बाइनरी में कन्वर्जन यही होगा कि नहीं, आप इससे इसको बनाकर देख लो, 100% राइट है, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो डेसिमल वाला नंबर है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। इसी में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए ध्यान से, यहां से आपको उठाना है कि आपका जो पॉइंट वाला नंबर है वो कितना है, तो 0.0625 है, 0625। तो आपको मैंने बताया था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें बेस 2 में ले जाना है। तो पॉइंट से पहले वाले नंबर को डिवाइड करते हैं और पॉइंट से बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यही इसका मेथड होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10, तो 10 का 0 कैरी 1 होगा, 2 2 4 और एक कैरी था आपका 5 हो जाएगा, ठीक है? फिर 2 6 12 होगा, 12 का 2 और कैरी 1 आएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 0 और एक कैरी था तो ये हो जाएगा और उसके बाद पॉइंट लग जाएगा 4 डिजिट पे और ये 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 0.0625 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट ये आएगा। तो इसमें देखो कि पॉइंट से पहले क्या आया? 0 आया, तो यहां से आपको 0 बाहर निकाल लेना। इसके बाद जो नंबर आया है उसको फिर से लिखो 0.1250 और मल्टीप्लाई बाय देन 2 फिर से करो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 2 10 का 0, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 और उसके बाद 2 1 2। आप देखो कि अब इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला? 0.2500। तो आप देखो कि पॉइंट से पहले यहां पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, तो यहां से एक 0 बाहर निकालो। इसके बाद जो नंबर ये आया है उसको फिर आगे बढ़ाओ 0.25, और बाद की 0 लेने का कोई मतलब नहीं होता है, तो 0.25 इंटू 2 करना है। जब 0.25 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, ठीक है? 25 दूना 50 होता है, तो 0.5 में से आपको फिर से 0 पिक कर लेना, ठीक है? और इसके बाद ये 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना। तो आप देखोगे कि 0.5 इंटू 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 1.00 आगे आएगा, ठीक है? तो यहां पे देखो कि ये डिजिट आपको 1 मिला और आगे सब 0 हो गया, तो इस 0 को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं अब, ठीक है? यानी कि ये प्रोसेस यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और मैंने बताया था कि ये एरो अपोजिट जाता है तो इसके उल्टा ये आएगा, यानी कि इसमें आपका नंबर ऐसे लिखना, यानी 0001 0001। तो आपका जो प्रॉब्लम था फोर्थ नंबर, उसका राइट आंसर ये होगा। अब आप लोग देखो कि आपको जो बातें मैंने समझाया ये समझ आया? सब लोग आंसर करो। यस सर।